राजधानी भोपाल की, जहां पर भोपाल में मेट्रो अपने ट्रायल के लिए सितंबर में पटरी पर दौड़ेगी, लेकिन 26 अगस्त को इसके मॉडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। ये मॉडल पटरी पर नहीं दौड़ेगा, लेकिन जनता इसे देखकर भोपाल मेट्रो का अनुभव ले सकती है। मेट्रो परियोजना के तहत भोपाल इंदौर में ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना का दिसंबर 2026 तक पूरी होगी। दिल्ली मेट्रो की लंबाई 31 किलोमीटर की है और इसकी लागत 7000 करोड़ है, जबकि इंदौर मेट्रो लाइन की लंबाई अभी 31 किलोमीटर है और लागत 7500 करोड़ है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेट्रो ट्रेन को सिर्फ भोपाल सिटी तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे मंडीदीप तक दौड़ाएंगे, बैरागढ़ से होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का हमारा सपना था। आप पढ़िए जरूर, ये अमूल्य खजाना है जिससे आपको कई मोती मिलेंगे। मैं अनुराग जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपने मन की बात के इस खंड के लोकार्पण के लिए मध्य प्रदेश को चुना। ये मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है, आप पधारे उसके लिए भी आपको धन्यवाद, और ये दुर्लभ सौभाग्य मध्य प्रदेश को दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अभी मैं आया तो मेट्रो रेल के कोच का अनावरण करके आया, कल स्मार्ट सिटी की जो रिजल्ट्स घोषित किए, स्मार्ट सिटी में भी मध्य प्रदेश नंबर एक आया है। इंदौर देश में शहरों में नंबर एक और मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर एक। इसके पहले जल संरक्षण के काम में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक आया, उसके पहले स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर एक आया। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक ही, अपना देश दुनिया में नंबर एक, और हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर एक प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद।